हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़े अपडेट लेके आए हैं। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी में बहुत सारी पोस्टें निकाली गई हैं उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने भी आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है या जिन बच्चों ने बीटेक किया है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी में, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने बताया था कि इसमें आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो उसका फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक था या फिर जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मेट था, वो उस समय आया नहीं था। तो मैंने बोला था कि जैसे ही इसका फॉर्मेट आएगा मैं तुरंत इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, और फाइनली वो मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी इस चंपारण, आपको यहाँ पर एक अप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा होगा, आपको इसी फॉर्म के हेल्प से अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। तो चलिए बात करते हैं कि इस फॉर्म में आपको कैसे कैसे फॉर्म में क्या क्या चीजें भरनी है और इस फॉर्म को आपको कैसे वहां पर लेकर जाना है इंटरव्यू के लिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे मैं जॉब या अप्रेंटिसशिप अपडेट लेकर आऊँ उससे अपडेट आप तक पहुंच जाए। देखिए, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी में बहुत सारी पोस्ट निकाली गई थी, जैसे गेस्ट लेक्चरर की पोस्ट थी, गेस्ट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट थी, गेस्ट लैब असिस्टेंट की पोस्ट थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन में जाकर उस वीडियो देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उस वीडियो को जाकर देख लें कि मैंने उसमें क्या क्या बातें बताई है, कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन रखी गई थी और कौन से पोस्ट जो है वो का मानदेय क्या होगा। मैं सारी बातें उसमें किया था, बस मैंने उसमें बताया था कि इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस पर आपको फॉर्मेट आएगा, उस पर अपना सभी डिटेल को भरकर तब आपको इंटरव्यू के लिए लेके जाना है। लेकिन कल जब मैंने वो वीडियो बनाया तो उस समय तक संस्थान की वेबसाइट जो है, यानी जीपी मोतिहारी की जो वेबसाइट है, उस पर ये अपडेट नहीं किया गया था। तो जैसे ही अपडेट हुआ मैं तुरंत ये अपडेट लेकर आपके पास आया हूँ। आप यहाँ देखिए कि यही वो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, यही वो एप्लीकेशन फॉर्मेट है जिसमें आपको चीज़ें भरकर ले आनी है इंटरव्यू के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी ईस्ट चंपारण एप्लीकेशन फॉर द गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट इंस्ट्रक्टर, गेस्ट लैब असिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे भरना है फॉर्म। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ आपको यहाँ पर लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप गेस्ट लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा गेस्ट लेक्चरर। अगर आप गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा गेस्ट इंस्ट्रक्टर। अगर आप यहाँ गेस्ट लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा गेस्ट लैब असिस्टेंट। मैं फिर से वो कर रहा हूँ कि आप पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने वहाँ पर सारी बातें बताई कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया है। पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को देखें, ताकि अब वो किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए अब देखिए, दूसरे नंबर में आप यहाँ लिखिए, आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर नाम लिखना है कि आपका नाम क्या है, उसके आपको फादर्स का नेम लिखना है, उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है, उसके आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस लिखना है, उसके आपको यहाँ पर पिन कोड लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे फिर से आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भरना है। ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी आप बिल्कुल सही तरीके से भरेगा, क्योंकि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ये दोनों आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सारी डिटेल आपका ईमेल आईडी फ़ोन नंबर पर ही आपको दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू होने के बाद जब भी रिजल्ट आएगा तो आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये आपको ईमेल आईडी पर ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है, दोनों में आपको एक मोबाइल नंबर भरना है, तो आप दोनों में दोनों मोबाइल नंबर आप भर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आपको यहाँ पर आधार नंबर भरना है अपना, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिसिप्लिन या ब्रांच सब्जेक्ट भरना है कि आप कौन से ब्रांच से हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप कौन से ब्रांच से हैं, अगर आपने बीटेक किया है तो कौन से ब्रांच से है, या आपने आईटीआई किया है तो आप कौन से ट्रेड से हैं, आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, नीचे में यहाँ पर आप देखिए, नीचे में आपको यहाँ पर बहुत यहाँ पर आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें भरनी है। जैसे देखिए, अगर आप सबसे पहले आपको मैट्रिक अपना डिटेल देना है। ठीक है, मैट्रिक में आपको कितने परसेंट मार्क्स थे, कौन सा डिवीजन था, कौन सा स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप मैट्रिक में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। ठीक है ना, उसका रिमार्क आपको भरना है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको आईएससी है ना, आईएससी में कितने परसेंट मार्क्स थे, आपका डिवीजन कौन सा था, आपका स्पेशलाइजेशन कौन था, आप आईसी के एम, आईकॉम के एम, आईए के एम है, उसके बाद आपको यहाँ पर रिमार्क देना है। क्लियर है, चलिए उसके बाद आपको नीचे आईटीआई या डिप्लोमा, आपके आईटीआई डिप्लोमा में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, कौन सा डिवीजन है, स्पेशलाइजेशन कौन सा है, स्पेशल मतलब इसमें ब्रांच आपको बेसिकली भरना है कि कौन से ब्रांच आपने डिप्लोमा किया है या कौन से ट्रेड्स आपने आईटीआई किया है, उसका रिमार्क यहाँ पर अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको बीएससी या बीटेक या बी जो भी आपका बीटेक है, बीटेक में कितने परसेंट मार्क्स है, डिवीजन क्या है आपका बीटेक में, स्पेशलाइजेशन मतलब आपका कौन सा ब्रांच से है, और रिमार्क अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप आपका एमएससी है, पीएचडी है, तब भी आप उसको सेम टू सेम यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए नीचे में टीचिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। देखिए, उस फॉर्म में उन्होंने जब मैंने कल वीडियो बनाया था तो उसमें इन्होंने ये मेंशन किया नहीं था कि
कि उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस इसलिए मांगा गया क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग या इंडस्ट्रियल का तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर मांग लिया गया, लेकिन ऐसे कोई असेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं था उसमें, ये डिजायरेबल था, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने कब से लेकर कब तक किया, ठीक है ना, फ्रॉम टू पीरियड, ठीक है ना। आपको यहाँ पर लिखना है कि कब से लेकर आपने कब तक किया, और आपको यहाँ पर लिखना है ऑर्गेनाइजेशन आपने कहाँ किया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में किया है, टेयर ऑफ टीचिंग क्या होगा या तो इंडस्ट्री में काम क्या होगा। और यहाँ पर आपको लिखना है डिजाइनेशन, मतलब होता है कि आप कौन से पोस्ट पर थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी पे नहीं, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपने किया है या आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्क कहीं पर किया है या कुछ आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप यहाँ पर उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है, ये सभी फॉर्म में भरकर, है ना, ये पूरा जो फॉर्मेट इसको अच्छे से भर कर यहाँ आपको अपना फोटो चिपका लेना है, रिसेंट का फोटो चिपका लेना है। और ये सभी चीज़ें कर आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए अलग अलग डेटें थी। अगर आप गेस्ट लेक्चरर के लिए कर रहे हैं तो इसका जो डेट है इंटरव्यू का वो 27 तारीख है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको जाकर पहले देख लीजिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ आप उसको पहले देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और उसका लिंक मैं आई बटन पर भी दे दूँगा। और उसके बाद अगर गेस्ट इंस्ट्रक्टर या लैब असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं, इसका इंटरव्यू जो है वो 28 तारीख को रखा गया है, आप एक बार जाकर देख ले सकते हैं कि इसमें कौन कौन की पोस्ट के लिए कब कब इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू वाले दिन इस फॉर्म को भरकर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को असाइनमेंट से आपका फोटो कॉपी लेकर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट को आपको लेकर वहाँ जाना है, और उसके बाद आपको वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो आई होप मैंने सारी बातें इसमें बता दी हैं, इसलिए इसको फॉर्म को भरते समय कोई भी गलती ना करें, बिल्कुल आराम से इस फॉर्म को भरें, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं डाउट को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर कर दें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दें ताकि बहुत सारे बच्चे जिनको भी अपडेट नहीं मिल पाता है या अपडेट से वो छूट जाता है उनको भी अपडेट मिल सके। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।